Hello learners and welcome back to your own channel, LIY English, Learn It Yourself. Learners, this is the third part and the third video on the chapter 4.3, Around the World in 80 Days by Jules Gabriel Verne from Class 12 English. In the first part and the first video of the chapter, we covered the characters, theme, setting and plot of the novel. From the second part and the second video, we started understanding the chapter line by line. And in this third video, we will take it forward from where we left last.

अब चलिए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं व्हाई शुड ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द रिफॉर्म हिज फ्रेंड्स नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड हिम देअर फॉग हैड नॉट अपियर्ड इन द सलून ऑन द इवनिंग बिफोर दैट इज सैटरडे द ट्वेंटी ऑफ डिसंबर एट अ क्वार्टर बिफोर नाइन ही हैड लॉस्ट हिज वेजर It was not even necessary that he should go to his bankers for the twenty thousand pounds, for his antagonist already had his cheque in their hands, and they had only to fill it out and send it to the bearings to have the amount transferred to their credit. Mr Fogg, therefore, had no reason for going out, and so he remained at home. He shut himself up in his room and he busied himself putting his affairs in order. Pasipat continually ascended and descended the stairs. The hours were long for him. वो पिछली शाम को सलून में नहीं पहुंच पायाडेजाराउंड तो के लिए उन्हें अपने बैंक के पास भी जाने की जरूरत नहीं थी फॉक के एंटेगनिस्ट यानी विरोधियों के पास पहले से ही उनका चेक मौजूद था जिसे उन्हें बस फिल करके बैरिंग्स में भेजना था और इससे बीस की राशि उन्हें ट्रांसफर हो जाती तो अब मिस्टर फॉक के पास बाहर जाने की कोई वजह नहीं थी इसलिए वो घर पर ही रहे खुद को अपने कमरे में बंद कर वो अपने मामलों को सुधारने में बिजी हो गए पासे पाता लगातार सीढ़ियां चढ़ता और उतरता उसके लिए वक्त बहुत भारी था feared एट हिज मास्टर्स डोर एंड लुक थ्रू द की होल एज इफ ही but मोमेंट no longer इन एंगर Fix, like all the world, had been mistaken in Phileas fog and had only done his duty in tracking and arresting him, while he passe out, This thought haunted him, and he never ceased cursing his miserable folly. Finding himself too wretched to remain alone, he knocked at Oda's door, went into her room, seated himself without speaking in a corner, and looked ruefully at the young woman. Oda was still pensive. वो अपने मालिक के दरवाजे पे खड़ा अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करता और की होल से अंदर देखता रहता जिससे की ऐसा करने का उसे पूरा अधिकार था उसे डर था कि कभी भी कुछ भी भयानक हो सकता है कभी कभी वो फिक्स के बारे में सोचता लेकिन अब गुस्से से नहीं सारी दुनिया की तरह फिक्स ने भी फौक को गलत समझा उसने फौक का पीछा करके उसे अरेस्ट करके सिर्फ अपना फर्ज निभाया था जबकि वो उपा से पाता परेशान करने लगी उसने अभी तक अपनी बेवकूफी के लिए खुद को कोसना बंद नहीं किया था अपने आप को बहुत अकेला और दुखी पाकर उसने औदा के कमरे का दरवाजा खटखटाया उसके कमरे के कोने में बिना कुछ कहे जाके बैठ गया उसने औदा की तरफ देखा वो अभी भी बहुत दुखी थी शाम के साढ़े सात बजे फॉग ने पासे पाताउत को औदा के पास भेजा ये जानने के लिए कि क्या इस वक्त वो उसे मुलाकात के लिए वक्त देगी और कुछ ही पलों में उसने खुद को उसके साथ अकेला पाया फिलियास फॉग टुक अ चेयर एंड सेट डाउन नियर द फायर प्लेस अपोजिट नो इमोशन वॉज विजिबल ऑन हिज फेस फॉग रिटर्न वॉज एग्जैक्टली द फॉग हु हैड गॉन अवे there was the same calm the same impassibility he sat several minutes without speaking then bending his eyes on orda madam said he will you pardon me for bringing you to england i mr fogg replied orda checking the pulsations of her heart please let me finish returned mr fogg when i decided to bring you far away from the country which was so unsafe for you i was rich and counted on putting a portion of my fortune at your disposal कोई भी भाव नहीं था वापिस वापिस फौ, वही फॉग था जो यहां से निकला था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया था उसमें अब भी पहले की तरह वही शांति थी पहले की तरह अब भी कोई भी इमोशन या भाव नहीं वो बिना कुछ बोले बोले कई मिनट बैठा रहा फिर अदा के सामने नजरें झुकाकर कहने लगा मैडम क्या आप मुझे आपको इंग्लैंड लाने के लिए माफ करेंगी अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए औदा ने कहा मैं मिस्टर फॉग प्लीज मुझे फिनिश कर लेने दे फॉग ने बीच में ही कहा जब मैंने आपको इस देश से ले दूर ले जाने का फैसला किया जो आपके लिए बहुत था तब मैं अमीर इंसान था और अपनी दौलत का एक हिस्सा आपके नाम देना चाहता था उससे आप आजादी और खुशी से रह पाती मगर अब मैं बर्बाद हो चुका हूं आई नो इट मिस्टर फॉग रिप्लाई ऑदा एंड आई आस्क यू इन माई टर्न विल यू विगे मी फॉर हैविंग फॉलोड यू एंड हु हुनोज फॉर हैविंग परहैप्स डिलेड यू एंड दस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर रून मैडम यू कुड नॉट रिमेन इन इंडिया एंड योर सेफ्टी कुड ओनली बी एश्योर्ड बाई ब्रिंगिंग यू टू सच अ डिस्टेंस दैट योर पर्सिक्यूटर्स कुड नॉट टेक यू So, Mr. Fogg, resumed Oda, not content with rescuing me from a terrible death you thought yourself bound to secure my comfort in a foreign land. Yes, madam, but circumstances have been against me. Still, I beg to place the little I have left at your service. But what will become of you, Mr. Fogg? As for me, madam, replied the gentleman coldly, I have need of nothing. बट हाउ डू यू लुक अपॉन दर विच अवेट आई एम इन दैबिट ऑफ डूइंग मैं जानती हूँ मिस्टर फॉग और दवाब दिया और अब मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे माफ करेंगे आपके पीछे आने और शायद कई बार आपकी देरी की वजह बनने के लिए आपकी बर्बादी में मेरा भी हिस्सा रहा फॉक कहते हैं मैडम आप भारत में नहीं रह सकती थी आपके लिए यही सेफ था कि आप आ, अपने देश से इतनी दूर आ जाए कि आपको परेशान करने वाले आप तक पहुंच ना सके औदा ने फिर से कहा इसलिए मिस्टर फॉग आप मुझे बचाने पर भी संतुष्ट नहीं थे और आपने विदेशी जमीन पर मेरे लिए आराम की जगह दिलाने के लिए खुद को जिम्मेदार मान लिया फॉग कहते हैं हाँ मैडम लेकिन अब मेरे हालात मेरे खिलाफ हैं फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे पास जो कुछ बचा है वो आप रख ले औदा ने कहा लेकिन मिस्टर फॉग आपका क्या होगा मेरे लिए उस सज्जन आदमी ने जवाब दिया मेरी कोई जरूरत नहीं है लेकिन आप आने वाले कल को कैसे देखते हैं जो आपका इंतजार कर रहा है फॉग जवाब देते हैं जैसे कि मुझे हमेशा आदत है एटलीस्ट सेवरटेक अ मैन लाइक यू योर फ्रेंड्स I have no friends, madam. Your relatives, I have no longer any relatives. I pity you, then, Mr. Fogg, for solitude is a sad thing. With no heart to wish to confide your griefs, they say, though that misery itself, shared by two sympathetic souls, may be borne with patience. They say so, madam. Mr. Fogg, said Orda, rising and seizing his hand, do you wish at once a kinswoman and friend? Will you have me for your wife? फिर भी किसी भी तरह की जरूरत आप जैसे इंसान पे हावी नहीं होना चाहिए औदा ने कहा आपके दोस्त फॉग कहते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है आपके रिश्तेदार मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है औदा यह सब सुनकर कहती है मुझे आप पर दया आती है मिस्टर फॉग अकेलापन बहुत बुरी चीज है ऐसा कोई भी नहीं जिससे आप अपने दुखों को बांट सके लोग कहते हैं जब दो लोग आपस में एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं तो दुखों को सहना आसान हो जाता है फॉग कहते हैं कि ऐसा लोग कहते तो हैं मैडम और ने उठकर उनके हाथों को पकड़ लिया मिस्टर फॉग ये क्या क्या आप एक दोस्त एक रिश्तेदार चाहेंगे क्या आप अपनी बीवी अपनी पत्नी के रूप में मुझे अपनाएंगे मिस्टर फॉग एट दिस रोज इन हिज टर्न देयर वाज एन अनवांटेड लाइट इन हिज आईज एंड अ स्लाइट ट्रंबलिंग ऑफ हिज लिप्स Oda looked into his face the sincerity rectitude firmness and sweetness of the soft glance of a noble woman who could dare all to save him to whom she owed all at first astonished then penetrated him he shut his eyes for an instant as if to avoid her look when he opened them again i love you he said simply yes by all that is holiest i love you and i am entirely yours ah cried oda pressing his hand to her heart पासे बाता वो और रोशनी हो होती है, उनकी पा रहे है। ने उनकी की देखा। उसकी सच्चाई और मिठास से भरी ये नजर जो उन्हें बचाने के लिए हर चीज दाव पे लगा दे पहले तो फॉग को चौका गई फिर उनके दिल में उतर गई उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली मानो औदा की नजर से खुद को बचाने के लिए फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो कहा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं हर वो चीज़ जो पवित्र है उसे साक्षी मान मानके उसकी कसम खाके कहता हूं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और अब मैं आपका ही हूं इस बात से ओदा अपने दिल पे हाथ रख के रो पड़ी उन्हें बहुत खुशी और तसल्ली हुई पासे पाता उसको बुलाया गया जो उसी वक्त हाजिर हो गया मिस्टर फॉक्स स्टिल हेल्ड औदास हैंड इन हिज ओन Pasipataut understood, and his big round face became as radiant as the tropical sun at its zenith. Mister. Fogg asked him if it was not too late to notify the Reverend Samuel Wilson of Marylebone Parish that evening. Pasepatow smiled his most genial smile and said, "Never too late." It was five minutes past eight. Will it be for tomorrow, Monday? For tomorrow, Monday," said Mister. Fogg, turning to Oda. "Yes, for tomorrow, Monday," she replied.

यहाँ पे बात हो रही है फॉग और अदा के शादी की इस वक्त आठ बज के पांच मिनट हो रहे हैं पासे पाताउत ने पूछा कि क्या कल मंडे के लिए होगा और फॉग औदा की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं पूछते हैं उनसे कि क्या कल मंडे के लिए ठीक रहेगा जिस पे औदा हा में जवाब देती है पासे तो अपनी पूरी जान लगा के भागता है Learners, अब तक चैप्टर और में हमने कहानी के एक ही पहलू के बारे में पढ़ा है यानी कि फॉग, और की स्टोरी के बारे में अब इस चैप्टर थर्टी सिक्स में हमें कहानी के दूसरी सेटिंग दूसरे पहलू के बारे में पढ़ना है सो लेट्स बिगिन चैप्टर थर्टी सिक्स इन विच फिलियस नेम इजन मोर एट अ प्रीमियम ऑन चेंज It is time to relate what a change took place in English public opinion when it transpired that the real bank robber, a certain James Strand, had been arrested, had been arrested on the seventieth day of December at Edinburgh three days before Phileas Fogg had been a criminal who was being desperately followed up by the police. Now he was an honourable gentleman mathematically pursuing his eccentric journey round the world. The papers resumed their discussion about the wager. All those who had laid bets for or against him revived their interest as if by magic. Phileas Fogg's bonds again became negotiable, and many new wagers were made. Phileas Fogg's name was once more at a premium on change. ऑथर कहते हैं कि अब यह बताने का वक्त आ गया है कि अंग्रेजी जनता की राय में क्या बदलाव आया जब उन्हें यह पता चला कि असली बैंक लुटेरा तो कोई जेम्स है जो 17 दिसंबर को एडिनबर्ग से गिरफ्तार किया गया है तीन दिन पहले तक फॉग एक क्रिमिनल था जिसका पुलिस बहुत सख्ती से पीछा कर रही थी लेकिन अब पता चला है कि वो एक इज्जतदार सज्जन है सज्जन आदमी है और वो अपने अलग ही सफर पे था वो पूरी दुनिया के दौरे पे निकले थे न्यूज पेपर में अब उनकी शर्त की चर्चा होने लगी वो सारे लोग जिन्होंने अब तक फॉक के फेवर या अगेंस्ट में शर्त लगाई थी उन सब में जादुई तरीके से फिर से रुचि पैदा हो गई थी अब फॉक के नाम पर कई नई शर्तें लग रही थी फिलिया के नाम का नाम फिर से चेंज पर प्रीमियम में था फाइव फ्रेंड्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब पास दीज थ्री डेज इन फेवरिस्ट सस्पेंस वुड फिलिया होम देर बिफोर दर राइस where was he at this moment? the seventieth of december, the day of james strand's arrest, was the seventy sixth since phileas fogg's departure, and no news of him had been received. was he dead? had he abandoned the effort, or was he continuing his journey along the route agreed upon?

उसके जाने के बाद से उसकी कोई खबर किसी को नहीं थी क्या वो मर चुका था क्या उसने अपनी कोशिश छोड़ दी थी क्या वो अब भी तय किए हुए रास्ते पे अपना सफर जारी रखे हुए था और क्या वो 21 दिसंबर को पौने नौ बजे रिफॉर्म क्लब सलून की दहलीज पे आ खड़ा होगा द एनजाइटी इन विच फॉर थ्री डेज लंडन सोसाइटी एग्जिस्टेड कैन नॉट बी डिस्क्राइब टू अमेरिका एंड एशिया फॉर न्यूज ऑफ फिलियर्स फॉक Messengers were dispatched to the house in seville Row, morning and evening. No news. The police were ignorant what had become of the detective Fix, who had so unfortunately followed up a false scent. Bets increased, nevertheless, in number and value. Phileas Fogg, like a race horse, was drawing near his last turning point. The bonds were quoted no longer at a hundred pillow par. बट एट ट्वेंटी एट टेन एन एन एट फाइव एन पैरिटिकॉर्ड लॉर्ड एलबाल बैट इवन इन फेवर तीन दिनों तक जिस बेचैनी में लंडन की सोसायटी रही उसे बयान नहीं किया जा सकता फॉक की इंक्वायरी के लिए अमेरिका और एशिया में कई टेलीग्राम्स भेजे गए थे सिविल रोमे उनके घर के पास सुबह शाम मैसेजर भेजे गए कोई खबर नहीं पुलिस को भी डिटेक्टिव फिक्स की कोई जानकारी नहीं थी जो बदकिस्मती से गलत जांच पड़ताल कर रहा था दाव फिर भी वैल्यू और नंबर में बढ़ते रहे फॉग एक रेस की घोड़े की तरह अपने आखिरी पॉइंट के करीब पहुंच रहा था कहा जाता है कि जो नए दाव लग रहे थे वो अब सौ से नीचे के बराबर नहीं बल्कि बीस दस और पांच पर थे ओल्ड अल्बाबाल ने भी फॉग के फेवर में ही दाव लगाया था सैटरडे की शाम को पॉल मॉल और आसपास की गलियों में भारी भीड़ जमा हो गई थी ऐसे लग रहा था कि रिफॉर्म क्लब के पास दलालो यानी कि ब्रोकर्स की एक भीड़ परमानेंटली स्टैब्लिश हो गई है लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था हर जगह चर्चा बहस और पैसों के लेन देन हो रहे थे भीड़ को पीछे रखने में पुलिस को भी बड़ी तकलीफ हो रही थी जैसे ही फॉक के आने का वक्त करीब आ रहा था लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी फिलियास फॉक के पांचों एंटेगनिस्ट यानी कि विरोधी जिनसे उन्होंने जिन शर्त लगाई थी और शर्त से जुड़े सारे रिलेटेड लोग